दुनिया भर में भी दिखाएंगे, फिर हमारे भी दिखाएंगे कि हमने क्या करा। हम तो देखना है या कुछ करना थोड़ी आया है। तीनों चुनाव अधिकारी है तो सही, और समिति गठित की तो समिति क्या लेके, अगर आप समिति को भी दिखा रहे हैं, समिति ये बहुत पड़ रहा है, समझ देता दिया। अरे आप बिठा रहे हैं ये तो लगा है ना, ये समझ में नहीं आया। एक मिनट, हमारे अगर हम एक मिनट की बात करें तो हमारे क्या दिक्कत है, क्या पूछा। आप अंदर आते हो हमारा वर्षन ले लो, ये आज टाइम हो गया है 2 बजे का, हमने सबने डिसाइड किया था, तो 2 बजे हम सारे मेंबर उपस्थित है, 1-2 और अभी बाकी है, तो 2 मिनट में अंदर आ जाएंगे, 2 मिनट को आ जाएंगे। हमारी सारी उपस्थिति आप इसमें रिकॉर्ड कर लें, हम सारे लोग आए, बस ये कैमरा भी हट जाएगा, और फिर जब हम समिति पूरी देख लेगी तो हम आपको बता देंगे कि हमने डेट लिया है। सभी लोग आ जाए, जितने कैमरे से हो ही गई, ये हो गई उपस्थिति की बात है। चालू है कि चालू करना है, चालू हो गया कि आगे ना जीतू बाबा की वाइफ कभी खराब हो गया अंदर की थी जो अपन ने बाहर दिखा दी। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये चीजें सारी दिखाने की नहीं थी, जो अपन आज सार्वजनिक रूप से दोबारा दिखा रहे हैं, ये आपके मांग पे दिखा रहे हैं। नहीं, हमने नहीं मांगा, हमें तो नियुक्त करा कि आप देखो, आपसे पहले जो शिकायतकर्ता ने मांगी थी, लेकिन उन्होंने दिखाई नहीं की कि हमने जबलपुर पहुँचा दिए, तो उनकी शिकायत पे जो कमेटी गठित हुई उसमें हमें नियुक्त किया, तो हमें तो देखना है, तो हमारी भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, हम उपस्थित, हम हमारी देखने की भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, हम ये चाहते हैं। दिक्कत है ना, गोपनीयता भंग हो रही है, गोपनीयता भंग हो रही है, हमने मीडिया वर्षन दे दिया कि हम सारे लोग उपस्थित हैं, साथ है, तो हो गई ना, ये देंगे ना, ये तो अभी बता देंगे कि हैं अंदर चले गए कि नहीं है, ये तो आप कोई प्रोसेसिंग लिख ले, आपके हम उपस्थित और हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और आप जो लिख ले हम भी उपस्थित हैं, कैमरा क्यों चलेगा, कैमरा हमारे लिए भी, कैमरा सबके लिए तो कैमरा लगा ही रहे हैं, तो फिर हमारे लिए क्यों, आप एक प्रोसेसिंग लिख ले, देख ही रहे सारे लोग उपस्थित रहे, जब और हम अभी देख रहे हैं अंदर घुसने था, सब में होना चाहिए, सब दिखा था, हम घुसे अंदर बस, हां ठीक है, हम लिखते हैं, हम अंदर घुसे हैं, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, यहां विवाद हो रहा है, प्रोसेसिंग में लेने दे, विवाद विवाद ना कर, मैंने पानी लेके पीला वाला लाल में डालना ये निर्णय देखा हमने कि 3 बजे पेटी खोल दी गई थी, ये जो ऊपर से बोला 3 से 3:30 बजे तक लंच था, उसके पहले ही पेटी खोल दी गई, और सारा माजरा तो आप लोगों ने देखा ही, क्या हुआ क्या नहीं, ठीक ये आप
तो जो मेरे को जो करना मैं करूँ तो हूँ अध्यक्ष के लिए मैडम बताइए करना इनको करना निर्वाचन विभाग को एक बार काउंसिल के द्वारा जो तदर्थ समिति घोषित की गई थी और जो हम प्रत्याशी और आपत्तिकर्ता थे हमारे द्वारा वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई है और हमको जो भी उसमें आपत्तियां वगैरह नजर आई हैं वो हमने तदर्थ समिति को सौंप दी गई है। अब जो निर्णय लिया जाएगा वो तदर्थ समिति के द्वारा लिया जाएगा और स्टेट बार काउंसिल को भेजा जाएगा। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल जो भी निर्णय लेगी वो हमारा जहाँ तक मुझे उचित लगता है कि वो हमारे अभिभाषक संघ पर मान्य होगा और उसको हम शिरोधार्य करते हुए स्वीकार करेंगे। मैडम प्रथम दृष्टिया से क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई? प्रथम दृष्टिया जो लगा है उसके संबंध में हम अभी आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ आपको कि हमने जो चीज़ कही है हमको जो वहाँ से नियम बताए गए थे उसके आधार पर हमने तदर्थ समिति को अपनी जो आशंकाएं हैं या जो चीज़ें हैं उनको उनको स्पष्ट कर दिया गया है। अब तदर्थ समिति जो है अपनी रिपोर्ट बनाकर स्टेट बार काउंसिल को भेज देगी। मेरा निर्णय अगर सिसोदिया जी के पक्ष में आता है तो क्या मांग रहेगी आप? देखिए निर्णय लेना और नहीं लेना ये दोनों चीज़ें स्टेट बार काउंसिल के ऊपर है। अभी हमने इस चीज़ पर विचार नहीं किया है कि निर्णय किसके पक्ष में आएगा इसलिए अभी हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अगर मैडम कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाए तो चुनाव वापस होंगे? हाँ, अगर स्टेट बार काउंसिल को ये लगता है कि चुनाव की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है या कहीं कोई त्रुटि की गई है जो भी कुछ है तो उसके संबंध में अगर स्टेट बार काउंसिल यह निर्णय लेती है कि चुनाव फिर से करवाए जाए तो चुनाव फिर से करवाए जाएंगे। चुनाव एक ही बार सभीपद के वापस ये स्टेट बार काउंसिल का ही निर्णय रहेगा। हमारी तरफ से तो यही कहा जाएगा या तदर्थ समिति की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा उस आधार पर यही कहा जाएगा कि चुनाव सभी पदों के लिए क्योंकि निर्वाचन जो प्रक्रिया है अगर वो दूषित हुई है तो वो सभी पदों के लिए दूषित हुई है। स्पेशल किसी पद के लिए हमारा कोई विरोध था भी नहीं प्रारंभ से नहीं रहा था। जीते हुए कैंडिडेट्स के संबंध में हमारे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में है और जो निर्वाचन प्रक्रिया की गई है उसके संबंध में ही सारी आपत्ति की गई है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो स्टेट बार काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा तदर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार। कब तक आने की रिपोर्ट की संभावना इसकी? इसके संबंध में भी शायद अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो रिपोर्ट अब यहाँ से कल तक भेजी जाएगी उसके उपरांत स्टेट बार काउंसिल ये निर्णय लेगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबके समक्ष सार्वजनिक किया जाएगा। मैडम ऐसा है कि जैसे निर्वाचन अधिकारी है उनके समक्ष जब्त हो सकती है? नहीं नहीं देखिए जो निर्वाचन प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटि की गई है तो उसके संबंध में भी सारे निर्णय जो है वो स्टेट बार काउंसिल ही निर्णय लेगी कि अब उनको जो भी कार्रवाई करनी है। नहीं देखिए जो निर्वाचन प्रक्रिया पे अगर कोई त्रुटि की गई है तो हम निर्वाचन अधिकारी पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किसी एक पक्ष का फेवर किया है इसलिए इस संबंध में जितनी भी बातें होंगी वो सब स्टेट बार काउंसिल का ही जो निर्णय होगा वो हमारे अभिभाषक संघ क्षमता पर प्रभावी रहेगा और उसको शिरोधार्य रख के ही कार्य किया जाएगा। सुजीत नहीं किरण करना प्रार्थी बार बार कह रहा था कि बोले मेरी जो उपस्थित नहीं थी और उससे पहले जो पेटियाँ खुल गई थी इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ ये नहीं देखिए हम आपको बता दें कि जो हमने अभी देखा है उसमें ये था कि शायद 3 से 3:30 के बीच का जो समय रखा गया था वो पीठासीन अधिकारी अंदर जो मतगणना अधिकारी थे उनके लंच का समय रखा गया था लेकिन इसके पूर्व जो पेटी खोली गई है उसके संबंध में ही हमारा विरोध था और जो आपत्तियाँ थी तो उसका निराकरण अब स्टेट बार काउंसिल ही करेगा। ठीक धन्यवाद। के चुनाव 11 दिसंबर को हुए हैं उसके बाद से जो वातावरण और माहौल जिस प्रकार का रहा है और देखने के लिए सर्वप्रथम तो मैं निवेदन कर दूं कि CCTV के जो फुटेज हैं उसे दिखाने में 1% भी हमारा कहीं विचार नहीं रहा। सच्चाई ये है कि जब चुनाव की जब पोजीशन बनी और यहाँ पे हमने मतगणना की घोषणा की वो सबको यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हो गए उसके बाद में कोई आपत्ति आई है उस आपत्ति में भी टाइम लिखा गया है उनका टाइम 5:05:10 है जो आप उनके रिकॉर्ड में देखेंगे तो आपको लगेगा। तब चुनाव की घोषणा हो गई स्वाभाविक है पराजित प्रत्याशी द्वारा वापस ये आपत्ति की गई कि सब इसकी वापस फुटेज हमें दिखाई जाए लेकिन जो प्रत्याशी जो आपत्ति की उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हमारी मंशा कहीं नहीं है हम सेकेंड डे ही उसको दिखाने को तैयार थे लेकिन हमसे ये कहा गया कि आप इसको हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मामला तो वहाँ तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं तो हमने कहा कि उसको हमें दिखाना नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे सच्चाई माननीय न्यायालय के समक्ष जब आप पेश कर रहे हो तो यदि वो बहुत ही आप भविष्य में जो हम लोग एक परिवार है कुटुंब है हमारा सदस्य है हम लोग अगर ये कहते हैं तो हम निश्चित रूप से पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उसी दिन ही हम दिखाने को सेकंड डे दिखा देते एक बार नहीं अनेक बार दिखा देते इसमें मेरा कहीं मंशा नहीं रही। आपने देखा होगा इसके पहले भी मैंने कोई वर्षन भी नहीं लिया लेकिन जिस प्रकार से हम थी तो ऐसी स्थिति में हमने सारी जो फुटेज थी
और ये सब जानकारी फिर हमने बार काउंसिल से बात की और बार काउंसिल को हमने ये स्पष्ट रूप से दे दी कि बार काउंसिल में आप देखिए और वहाँ पे आप चाहें तो वहाँ से वो लोग दिखाते हैं तो ठीक है। अब वहाँ से जो आदेश था उसके लिए हमने भी मार्गदर्शन उनसे मांगा कि आप हमें भी ये मार्गदर्शन दें कि क्या हम इनको फुटेज दिखा दें, तो उनको ये आया कि हम उनको फुटेज दिखा दें। अब मैं निवेदन करूँ कि हमारी जो होती पहली प्राथमिकता के यहाँ सीसीटीवी कैमरे बाहर में कक्ष में नहीं है, हमारी पहली प्राथमिकता इस बात की रही है खास तौर से कि हम सीसीटीवी कैमरे लगा करके हम हमारे जो प्रत्याशी नहीं देखें, हमारे जितने भी 142 मतदाता हैं या आम लोग जो भी हैं वो भी देखें। तो हमने इस बात को लेकर के वहाँ पर लगवाई टीवी और वो वीआईवी हमने वहन करा है व्यक्तिगत रूप से और ये हमारी प्रदर्शित करने का तरीका रहा है। इसके बाद में जो फुटेज रहे वो जितने मतपत्र हुए 142 लोगों के जब मतपत्र हुए तो 142 में से हमने 139 लोगों के जब लिए उन सबके हमने हस्ताक्षर लिए जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड सबके हमने हस्ताक्षर लिए हैं कि उनके हस्ताक्षर लेकर के ये वोटिंग किया गया। ये आप देखेंगे सभी लोगों के हस्ताक्षर हैं 139 लोगों के। जब हमने परिणाम घोषित किए 139 के वोटिंग हुआ, 3 मत पत्र जो रखे वो भी रिकॉर्डेड है। इसके बाद में जब वोटिंग हुआ और जिसकी हमने गणना की, गणना करने के बाद में जब हमने रिजल्ट घोषित किया उसमें भी हमने हमारे प्रत्याशियों के ये हस्ताक्षर लिए। ये भी आप देखें कि उन्होंने वोटिंग में ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये वोटिंग हो गई है और ये उनके सहमति के हस्ताक्षर हैं। आप गौर से देख लीजिएगा दोनों प्रत्याशी, दो प्रत्याशियों ने समर्थन दे दिया था इसलिए उनको कोई वोटिंग नहीं मिला। और ये स्पष्ट रूप से जब हुआ कि 54 मत जो उनको मिले अनोखे लाल सिसोदिया जी को पराजित रहे और विजय सिंह वर्मा को 85 वोट मिले, ये रिकॉर्डेड है। हमने इन्हीं की एंट्री या इन्हीं के हस्ताक्षर नहीं कराए। अब आप देखिए उपाध्यक्ष पद के जितने प्रत्याशी रहे हैं उनको भी हमने ये वोटिंग कराई और उनके भी हस्ताक्षर लिए, तब तक कोई आपत्ति नहीं है, ये रिकॉर्डेड है ना सब। इसके बाद में जो दूसरे प्रत्याशी रहे हैं जिस पद के सचिव पद के, उन लोगों के भी हमने काउंटिंग उनके सामने बिठा कर कराई है और ये प्रत्याशियों के उनके भी हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार से दूसरे पद के जो रहे हैं सह सचिव पद के प्रत्याशी उनके भी हमने वोटिंग कराई और उनके सामने बिठा के काउंटिंग कराई और काउंटिंग करने के बाद भी ये स्थिति कि उनके भी हस्ताक्षर हैं, किसी की आपत्ति नहीं। अब यहाँ जो ग्रुपबाजी के हिसाब से कि तीसरे प्रत्याशी में कोषाध्यक्ष हैं उसमें भी 3 प्रत्याशी थे, उन तीनों प्रत्याशियों के हमने हस्ताक्षर करवाए, ये रिकॉर्डेड है, तब तक कोई आपत्ति किसी की नहीं है। फिर अंतिम जो पुस्तकालय सचिव की प्रत्याशी रही हैं उसके लिए भी स्थिति ये है कि सबके हस्ताक्षर हैं। कुल मिला के ये कि प्रत्याशियों की सबकी सहमति रही, सबके सामने काउंटिंग की गई और सबके सामने काउंटिंग करने के बाद रिजल्ट घोषित हुए। घोषित होने के बाद जो प्रत्याशियों की जो रही शिकायत और ये रही है उसके बारे में भी ये कहा गया कि मतपत्र की है उसमें धारा 23 ये स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि चुनाव अधिकारी को ये सारे पावर हैं कि वो किस प्रकार से करें। अब मैं आपको ये बता दूं चाहूँगा इस अवसर पर कि 17 प्रत्याशी थे, क्या ये बार कक्ष इतना है कि 17 प्रत्याशी एक साथ यहाँ पर आ जाएं और 17 ही प्रत्याशी आने के बाद में यहाँ पर क्या वातावरण बनेगा। जब हम पर्ची छाटेंगे तो स्वाभाविक है, तो हमें ये स्थिति स्पष्ट करना पड़ेगी भैया आप यह जो हमारा केबिन है केबिन के बाहर आप रह करके देखें और आपको ये प्रत्याशी लगता है। और मैं आपको और स्पष्ट स्थिति कर दूँ कि अगर ये स्थिति है कि बाहर केबिन में से नहीं देखें तो वहाँ भी सबको दिख रहा है, पूरी स्थिति क्लियर हो रही है, पूरी पारदर्शिता है, टीवी लगे हुए हैं, सीसी कैमरे के हिसाब से जो लगा हुआ है उससे पूरी स्थिति क्लियर हो रही है। और जब ये स्थिति क्लियर हो रही है तो आपको कहीं भी हम लोग गलत कर रहे हों, एक मतपत्र भी अभी भी 139 वोट जो वोट डले हैं उसका पूरा रिकॉर्डेड है। अब स्वाभाविक है कि इसमें 6 मतपत्र के 6 वोटिंग थे सभी पदों के, उसमें यह रहा है कि हमारे जो मतदाता है जिन्होंने वोटिंग किया वो स्पष्ट रूप से हमें बोल के भी गए कि सब हमने 6 पेटी में से गलती से भूल से हमसे इस पेटी का इस पेटी में खोला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर यह बात स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या ऐसी स्थिति रहेगी कि हम पुस्तकालय सचिव का वोटिंग करें और ये करके स्पष्ट कर दें और उसका घोषित कर दें भाई जी दूसरी पेटी में से अगर कोई मतपत्र निकल गया उसका तो वो विजय अविजय हो जाएगा। तो इसी स्थिति में हमारे लिए मजबूरी बनी परिस्थिति देखते हुए जो आरोप लगाए गए हमसे कि पेटी इस प्रकार से खोली थी तो स्वाभाविक है कि हमने उस पेटी को खोल करके और प्रत्याशियों की उपस्थिति में बाहर कैमरे सीसीटीवी लगा करके ये स्थिति स्पष्ट करी हमने कि आप देख लीजिए हमें कि हम इसको पेटी को छट्टी कर रहे हैं और छट्टी करने का जो अधिकार हमें है वो छट्टी को हमने किया उनके सामने किया और उसको करने के बाद में जब इसके वोट आप देखेंगे इसको टीवी सीसी कैमरे में भी देखा होगा कि इसका वोट उसमें डला उसका वोट इसमें डला तो सबके वोटों 139 वोट
सबके हो गए, सबके सामने फिर काउंटिंग की गई और जो निर्धारित समय था, और ये भी एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो पेपरबाजी में सबमिट किया गया कि लंच का टाइम, किसने लंच का टाइम दिया? हम लोग तो सुबह 10-10:30 बजे कोर्ट जाते हैं, उसके बाद में फिर लंच का कोई टाइम नहीं होता हमारा, सिर्फ चाय पीते हैं और इसके अलावा कोई लंच का टाइम नहीं होता। इसके अलावा उस दिन भी हमने ये कहा कि चलो ये पूरी 3:30 बजे का टाइम हो जाएगा, स्थिति स्पष्ट होगी, हमारे मतदाता जितने भी हैं प्रत्याशी लोग सुबह से प्रयास में लगे, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सब विषम परिस्थितियों में हमने उसको करने के बाद में स्थिति जब स्पष्ट होगी तब उनको हमने परिणाम घोषित किए। इसके बाद जो आपत्ति हमारे पास में आई है और जो हमने दिखा दिया आज स्पष्ट रूप से, दूध का दूध पानी होगा, हम कभी नहीं सोचेंगे। एक बात सही है, मैंने ये देखा है और देखने को मिला, ये पूर्वजों के समय से चला दिया कि सत्य को भी है ना उस प्रमाण की आवश्यकता होती है, और सत्य के लिए मैं आपको बता दूं कि सच्चाई ये है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, सत्य की हमेशा जीत होती है, और हमेशा है ना विषम परिस्थितियों में पूर्वजों के समय से चला दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी, कि इसकी भी सत्य की भी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में होती है। माता सीता को भी इसी प्रकार से आरोप लगाकर उनकी इस प्रकार की सारी परिस्थितियां निर्मित हुई है, लेकिन हमारा कहीं भी उचित मात्र भी यह उद्देश्य नहीं रहा है कि हम इस प्रकार की स्थिति निर्मित करें, क्योंकि अभिभाषक साथी हमारा एक परिवार है, एक कुटुंब है, और इस पर हम कोई मतभेद या विवाद या कोई स्थिति निर्मित नहीं करना चाहते थे। हमारी जितनी पारदर्शिता से हम कराना चाहते थे वो पारदर्शिता चुनाव किया है, इसके बाद भी जो बार काउंसिल में जो कार्रवाई है, जैसा कि हमें बताया गया, खास तौर से इस बात के लेकर सीसीटीवी कैमरे आज क्यों दिखाए, मैं उसको भी आपको स्पष्ट दोबारा इसलिए करना चाहता हूं कि हमारी जो सोच थी कि जहां की बात वहीं रहे और यह स्थिति स्पष्ट हो, और हमने ये बात कही कि हमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जब बोला गया यहां पर रिकॉर्डेड, और आज भी हमने सदर समिति के समक्ष ये बात रखी, तब प्रत्यक्ष ने कहा कि हम तो ये खुला कहना था हमारा कि हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देंगे, इसलिए हमने उस बात को दिखाना उचित नहीं समझा, अन्यथा हम 10 बार दिखा दें, हमारी कोई चोरी की मंशा नहीं रही, हमारी कोई मंशा नहीं रही, हमारे लिए जितने भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी हैं सब समान हैं और समान ही रहेंगे, उनसे कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है हमारा, हम तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करके और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव दिखाना चाह रहे हैं। हमारे सहायक चुनाव अधिकारी आप भी बता दीजिए, आप सभी को मालूम है कि जो निर्वाचन का जो कार्यक्रम और निर्वाचन अधिकारी हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है श्रीमान लईक अहमद जी अंसारी जी को बनाया गया था, और मैं उनके सहायक के रूप में और एक और हमारे सहायक श्री दीपक सिंह नेगी भी हमारे साथ में थे, और हमें इस बार के चुनाव करवाने का संपूर्ण जिम्मा सौंपा गया था, और उसमें हमने पूरी अपनी तत्परता से जितनी भी हम सावधानी बरत सकते थे वो सावधानी हमने बरती। उसका प्रमाण ये है कि बाहर के चुनाव में कभी भी अंदर जहाँ मतदान होता है वहाँ कैमरा नहीं लगाया गया था, लेकिन हमने मतदान कक्ष में कैमरा पहली बार लगाया गया, और बाहर परिसर में जहाँ अधिवक्तागण और पक्षकारगण आते हैं वहाँ हमने उसको एक सीसीटीवी लगाई गई ताकि अंदर का जो लाइव है वो बाहर सब स्पष्ट दिखे। उसके पश्चात भी कुछ लोगों द्वारा हमारे साथियों द्वारा आशंका व्यक्त की गई और हम पे अनर्गल आरोप लगाए गए, और उसके संबंध में हमें इस तरीके से भी कहा गया कि धमकी भी दी गई, हम हाईकोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हर युग में सत्य की परीक्षा हुई है, और हम सच थे और हमारी परीक्षा ली, और आज हमने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। इस प्रकार से कि जो हमें लेटर प्राप्त हुआ था उसके पालन में हमने समिति के सदस्यों को प्लस साथ में जो शिकायतकर्ता प्रत्याशी थे उनको सारा पूरा मामला सीसीटीवी जो फुटेज मांगी गई थी वो दिखाई गई। उसके अलावा और पारदर्शिता रखते हुए हमने बाहर भी एक टीवी लगाया ताकि समस्त अधिवक्तागण भी देखें कि हमारे द्वारा क्या क्या, यदि ऐसा किया जाता तो न हम प्रारंभ से ही सीसीटीवी कैमरे का उपयोग नहीं करते और आज भी हम इस तरीके से पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई नहीं करते। साथियों, आप सभी को पता है कि हमेशा आरोप आक्षेप लगाना बहुत सरल होता है लेकिन उसको प्रमाणित करना बहुत कठिन होता है। आप हमारे साथी अधिवक्ताओं द्वारा जो भी आशंकाएं व्यक्त की गई और जो आरोप लगाए वो निराधार है। आज हमने स्टेट बार काउंसिल के जो पालन में सभी अधिवक्ताओं को, तदर समिति को, शिकायतकर्ता जो प्रत्याशी सबको हमने दिखाई गई सीसीटीवी कैमरे, और आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जिस प्रोफेशन में है, हम जो इस वकालत का व्यवसाय करते हैं, हमने कानून की वर्दी पहनी है। हमने इसलिए नहीं पहनी कि हम बेईमानी करें, हमने एक शपथ ली है कि हम जो भी कार्य करेंगे कानून के अनुसार करेंगे और कानून के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ साथियों द्वारा हम पर अनर्गल आरोप लगाए गए जिसका हमें बड़ा अफसोस है और खेद है। लेकिन सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। इसी तारतम्य में हमने सारी चीज़ें बता दी गई है, सारा मामला पटाक्षेप हो गया है, अब कुछ भी इस मामले में नहीं बचा है, और अब हमारी ये प्रयास रहेगी कि जो मामला है पूरी इसकी रिपोर्ट बनाकर जो हमने कार्रवाई की स्टेट बार काउंसिल को भेजे जाएंगे, और इसी तरीके से मामला यहाँ पर हमारी ओर से समाप्त किया जाता है। स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है
स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन का एक एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट में विभिन्न धाराएं वर्णित है। उसमें मत जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मतगणना की प्रक्रिया दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मतगणना जब की प्रत्याशी के सामने होती है और मतगणना की जो प्रक्रिया रहती है, प्रक्रिया किस तरीके से होगी, मतगणना के पूर्व जो प्रक्रिया का पालन किया जाता है वो उस जो हमारे अधिनियम है उनके अनुसार किया जाता है, वो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में हमने किया। और उसमें हमें अधिकार है कि मतपत्र, चूंकि यहाँ पर 6 मत पेटियाँ थी, 6 अलग अलग कलर के मतपत्र थे और जो मतदान करने आए थे साथी अधिवक्ता, उन्होंने बोला कि हमारा इस पेटी का मत उसमें डल गया, उस पेटी का मत उसमें डल गया। इस तरीके से कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई। तो फिर यदि हम एक पेटी को खोलते 3:30 बजे, एक पेटी को खोलते और हम परिणाम घोषित कर देते कि फलाना व्यक्ति विजय हुआ, उसके पश्चात पता चलता है कि उसके 4 मत और अन्य डब्बों में बंद है, फिर हम उसको परिणाम को बदलते, तो ये हमारी जो विधि का जो हमारे जिस पद पे है उस गरिमा के अनुकूल नहीं रहता और लोगों को लगता है कि इनको काम करना नहीं आता और हम पे इससे ज़्यादा फिर आरोप लगते। कोई आरोप न लगे, मतगणना प्रक्रिया पारदर्शिता से हो। मतगणना की प्रक्रिया का पालन 3 बजे से स्टार्ट किया गया है, प्रक्रिया मतगणना की प्रक्रिया बोलते हैं उसको, और मतगणना 3:30 पर प्रारंभ की गई और सभी प्रत्याशियों को बुलाकर मत काउंटिंग करके विजय पराजय की घोषणा करने के पश्चात जो मत पत्र किसको कितने मिले उस चार्ट पे सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने हस्ताक्षर करे, उसके पश्चात ये इस तरीके से हमने निर्वाचन संपन्न किए गए और जिसमें कहीं भी कोई असत्यता, कहीं भी कोई फ्रॉड कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि ये सब जो आरोप लगाए गए थे ये सब आरोप झूठे और निराधार है। दी थी अन्य प्रत्याशी जो खंडन को सूचना दी थी कि आपने, हाँ, सब सारे प्रत्याशी, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो अन्य पेटी में डाले थे सभी को बताया गया था 6 कलर के मतपत्र रहेंगे, इसमें चश्मा अध्यक्ष सचिव सब दिखाइए, जवाब दे रहा हूँ, बता दें गलती जो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, इसके लिए हमने माइक की व्यवस्था करी, अनाउंस किया हमने कि ये परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, अनाउंसमेंट किया गया और आप उसके फुटेज देखेंगे, ये अभी तक के जो फुटेज देखे इनके सिर्फ इन्होंने 3 बजे से 3:30 के देखे, सच्चाई तब आएगी इसकी सच्चाई सामने कि आप 10:30 से देखें हमारी पेटियों की मतगणना, जब हमने किए वोटिंग हमारा गिना गया है तब उसमें स्थिति स्पष्ट रूप से ये सबने हमारी पेटी चेक करी है, सब मतपत्र चेक करे हैं, हमने उसका काउंटिंग कराया और काउंटिंग कराने के बाद में यहाँ तक कि दराज तक में देखा गया कहीं वोट तो नहीं है, कहीं अर्जी फर्जी, क्योंकि हमारी कहीं सोच थी नहीं, हमने सब चेक कराया और प्रत्यक्ष ने चेक किया है उसको गिना के कितने वोट है, वो 142 है या नहीं है, हमने 142 मतपत्र लेके बैठे थे, दूसरी बात आपको सर्चिंग का अभियान चलाया, पूरे प्रत्याशियों ने सर्च किया, स्पष्ट कर दूं मैं ये भी कि हमने माइक में ये बोला गया कि इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हो गई है और आप इस पे देख लें भार, ये हमारी अनाउंस किया गया है और माइक की व्यवस्था इसीलिए की गई थी हमने कि ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि इसके मतपत्र, तो हमें मतपत्र खोलना आवश्यक हुआ और वो भी कैसे खोले कि आप भी देख लें कि जो केबिन हमारा, उस केबिन के बाहर लोग खड़े थे, हर प्रत्याशी को ये अधिकार है कि उसको अपना स्वतंत्रता का अधिकार है और उसको देखने का अधिकार है, इसीलिए हमने फुटेज लगाए थे, टीवी लगाई थी, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि सब देखा गया था, क्या हम उन सबको इकट्ठे करके वहाँ पे सबके सामने सभी पेटी खोल देते, और मैं आपके लिए जो आप मेरे से एक प्रश्न आपने किया गया वो भी बता दूँ कि इसके लिए जो चुनाव अधिकारी हैं उनको कितने अधिकार और कितने पावर हैं, या बार काउंसिल के नियम बता रहा हूँ मैं आपको, वेद मत पत्रों की पर्ची में व्यवस्थित करना, वेद मत पत्रों ठीक है, और इसके आगे मतगणना के लिए निर्धारित दिन पर रिटर्निंग अधिकारी सभी मतपेटियां खोलेंगे जो मतदान पत्र पर अवैध है या जिन्हें इन नियमों के तहत चुनाव के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, उन्हें अस्वीकार करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के दर्ज की गई पेटी, ये पूरी स्थिति है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अनजान है, हमने भी भाई जो वकालत की 40 साल की वकालत है हमारे, हम इस बात को पूरी तरह समझते हैं कि पूरी पारदर्शिता रखी है, लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा कि हमें फिर भी अगर कोई आरोप लगाए गए हैं, इसके लिए स्टेट बार काउंसिल है, हमारे खिलाफ जो उनकी शिकायत है कि उस शिकायत का जो भी निर्णय आता है उसका होगा, यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है कि हमारी निर्भरता पाई जाती है और चुनाव होंगे फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वो कोई स्थिति नहीं बन रही है, आपके प्रश्न का उत्तर ही अधिकारी, कोई व्यक्ति आया और कोई प्रत्याशी आया, कोई खींच में कोई मतपत्र को फाड़ दिया, ले गया मतपत्र को कहीं और अन्यत्र कर दिया, तो गिनती का मिलान नहीं होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहती है मतपत्रों की सुरक्षा हमारे लिए रहती है, इसलिए हमने बारी बारी से सभी प्रत्याशियों को बुलाया, उनके समक्ष काउंटिंग की और परिणामों की घोषणा की। जिस प्रकार से वर्मा जी आपको अध्यक्ष पद बनाया जा रहा है उस पर आरोप लगते आए थे, तो इसको लेके आज जो जांच कमेटी भी आई थी, जांच भी हुई है, तो इसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए सर, देखिए सर, जो चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई गई है वो CCTV फुटेज के दायरे में हुई है, जिसका लाइव बाहर भी चला है,
मतलब मतदान जो अभिभाषक गणों ने उन्होंने तो किया है, पर बाहर अंदर क्या चल रहा है वो चीज बाहर अभिभाषकों ने भी देखी है, आम जनता ने भी देखी है। पारदर्शितापूर्ण जो कार्रवाई हुई है वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है। आज वो मामला स्टेट बार के निर्देश में सामने आया है और आप लोगों के सहयोग से आज भी बाहर पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई बाहर देखी गई दिखाई गई है, कक्ष में समिति के लोगों ने देखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आरोप निराधार है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। तो क्या लगता है फिर आपको जांच जो जांच आएगी तो रिपोर्ट आएगी? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मतदान हुआ अभिभाषक संघ नागदा का, इसमें जो हमारे 142 मतदाता थे, ये कहीं ना कहीं जिस भी प्रत्याशी ने आरोप लगाया है उन मतदाता साथियों के मतदान पर एक आक्षेप लगाया गया है, उनकी गरिमा को भंग करने का प्रयास किया गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगर आप इतने ही मतलब चाहते हैं कि पारदर्शिता पूर्ण रहे तो स्टेट बार अगर वापस कभी ऐसा निर्देश करती है कि एक बार वापस री इलेक्शन हो जाए तो हमारे मतदान जो हमारे साथियों ने किया है, हमारे को भरोसा है कि वो भी जो भी जनादेश फिर देंगे वो काफ़ी सोच समझ के देंगे और जो कैपेबल प्रत्याशी नागदा अभिभाषक संघ के हित में होगा उसका आशीर्वाद उनको देंगे। वो तो को आरसी कर पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप लोगों ने बाहर देखा है अंदर अंदर देखा है और इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, सब चीज तो क्लियर है। एक बात की सच्चाई और पूरी पिक्चर अपन देखते हैं, कोई भी पिक्चर हो उसकी पूरी पिक्चर देखी जाती है तब उसका रिजल्ट मालूम पड़ता है कि वास्तव में क्या रहा। आपने आज जो जितने भी हमारे थे साथी और जिनको जो बनाया गया था उन्होंने सिर्फ आधा घंटे के लिए देखना पसंद किया, केवल आधा घंटा, ऐसा क्यों? आप 10-30 में देखें ना, 10-30 पे देख ले सच्चाई क्या है, 10-30 से लेकर 5:30 बजे तक के रिजल्ट देखे ना आप, तो कि तब तक क्या है, हम कहीं गए बाहर, कहीं अंदर आए, कहीं हम बाथरूम के लिए गए, जैसे भी स्थिति हमने अंदर बाथरूम किया, हम कहीं बाहर नहीं गए, कोई नाश्ता करने नहीं गए, कहीं नहीं गए, सिर्फ हमारी ये सोच थी कि नहीं हम प्रत्याशी, हमारी तरफ से तलाशी ली गई, 139 वोट जो जिस प्रकार से रहे वो सब मत पेटी में मिले, तो फिर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हुई, इसलिए हमें थोड़ा सा दुख है और अफसोस है कि जो प्रकार जिस प्रकार का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, है ना, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका तो होगा। सर आप पे जो आरोप लगे हैं अगर आप निराधार साबित होते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कोई अगला कदम नहीं, हमारा ये परिवार है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारा परिवार है, कुटुंब के सदस्यों का चुनाव है और हम इनमें साथ में रहेंगे। और आज भी मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हमारी उनसे भी कोई द्वेषता आज भी नहीं है ना भविष्य में भी नहीं रहेगी, हम तो उनसे आज भी प्रेम से हैं, हो सकता है कि दूसरी बार वो लड़े और दूसरी बार में हो सकता है कि प्रत्याशी वो जीवित हो विजय हो, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये तो प्रत्याशी का अधिकार है, हर बार चुनाव होते हैं यहाँ पे 2 साल में, उसमें मगर अपनी एबिलिटी रहेगी अपनी पसंद होगी तो स्वाभाविक है कि सब होंगे चुनाव में। नहीं जैसे कि निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा निर्वाचन में नहीं, यदि हमें वहाँ पर बुलाया जाता बार काउंसिल में, आज उस मामले का पटाक्षेप हो गया ना, पटाक्षेप हो गया है, इसके बाद यदि स्टेट बार काउंसिल अगर देती है तो हम ये चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहेंगे कि हमारे 10-30 से लेकर के हमारे 5:30 तक की न्यूज देखी जाए, पूरी पिक्चर देखी जाए ताकि उसके रिजल्ट मालूम पड़े कि वास्तव में क्या है। आप आधा घंटे की देख रहे हैं कि उसमें क्या हुआ, ऐसा क्यों, ये एक शंका के घेरे में आता है, डाउट करता है कि पूरी पिक्चर क्यों नहीं देखी जा रही है। नहीं आप 7 सदस्य जो टीम है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, मैं प्रश्नवाचक ही लगा रहा हूँ, सिर्फ उनका ये कहना होगा कि वो सिर्फ आधा घंटे की क्यों देखना पसंद करते हैं, बार काउंसिल का ऐसा नहीं कहा केवल आप आधे घंटे की देखो, हम तो कह रहे सुबह से देखो ना आप, तो पूरी स्थिति प्रश्नवाचक नहीं है, हमारे अभ्यर्थी हमारे साथी हैं, हमारे अभिन्न मित्र हैं, उनके हम पे कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं है हमारा, हम तो सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि आधा घंटे के बजाय आपको देख लो। और एक और बात बता दूं कि अभी भी आज भी हमने ये काटने के लिए टीवी लगाया है और वो भी सब पूरी प्रसारित हो रही है, आम लोग भी देखेंगे, जब सच सामने आना तो बिल्कुल आना चाहिए। समिति द्वारा तदर्थ समिति बनाई गई थी चुनाव में अनियमितताओं को लेकर, आज पूरी समिति ने वीडियो फुटेज देख लिए हैं, जो भी रिपोर्ट होगी वो अधिवक्ता बारे अधिवक्ता को देना। आपने शुरुआती जांच में क्या पाया? नहीं ये रिपोर्ट पूरी गुप्त है, हमें रिपोर्ट सीधे वहीं दे देंगे। कब तक आने की संभावना है रिपोर्ट? देखिए आज तैयार करके रिपोर्ट भेज देंगे, उसके बाद वहाँ से जब भी आता चालू। आज हमने निर्वाचन के सीआरएस फुटेज देखे हैं और उसकी जो भी रिपोर्ट बना के हमने स्टेट बार को भेजा है। किस प्रकार की कोई शिकायत है? कोई शिकायत की जो भी रिपोर्ट हम भेज रहे हैं आगे कार्रवाई उनको करना है जी। उम्मीदवारों की शिकायत के आधार पर समिति का गठन मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता द्वारा किया गया था और समिति ने जो अभी सीसीटीवी फुटेज देखा है उसके आधार पर हम सब अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता को सबमिट करें जी। कब तक संभावना रिपोर्ट आने की?
रिपोर्ट आने की संभावना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन रिपोर्ट हम जल्द से जल्द एक या दो दिन में हमारे पास से भेज देंगे।